दोस्तों ये है मेरे पास यस बैंक की वेलकम किट। ये हमें हैंड टू हैंड मिल जाती है। अगर आप यस बैंक में खाता खुलवाते हैं तो यस बैंक आपको वेलकम किट हैंड टू हैंड आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यस बैंक अगर आप ऑनलाइन खुलवाते हैं तो वहां पर आपको 6,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं, या फिर आप ब्रांच जाकर भी खुलवाते हैं तो वहां पर आपको 6,000 रुपए देने पड़ते हैं, जिससे कि आपको खाते में 2,500 रुपए रखने पड़ते हैं। अगर उससे माइनस में रखोगे तो पैसे माइनस में होंगे, लेकिन 2,500 आपको रखने ही पड़ते हैं, 6,000 रुपए में आपका जो डायरेक्टली खाता ओपन होता है। तो चलिए इसे ओपन करके दिखा देता हूँ और आपको क्या क्या इसमें मिलता है सारा कुछ इस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने ये रखी यस बैंक की वेलकम किट। तो इसकी जो चिट होती है वो मैंने पहले से ही खोल रखी है, तो इसे डायरेक्टली मैं ओपन करके दिखा देता हूँ और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो सारा कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने ये एक चेक की बुक होती है, जो इसमें हमारा जो खाता नंबर होता है यस बैंक का, और इसमें जो पैसे वगैरह निकालने जाते हो तो यहाँ पर वो चेक वगैरह होता है, आपको देना पड़ता है यहाँ पर फिल करके कि मुझे इतने रुपये निकालने हैं, तो सारा कुछ इसमें होता है। तो इससे देख के आप पैसे भी निकाल सकते हैं। तो दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर मिलती है, एक और ये डॉक्यूमेंट मिलता है, तो इसे भी देख लें ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो इसमें कुछ लिखा है, बैंक के डिटेल वगैरह लिखी है, बैंकिंग कोड्स स्टैंडर्ड्स, इसमें सारा कुछ बैंक के बारे में बताया गया है। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको दिया जाता है। बाकी ये यस बैंक की यस वो जो प्रोसीडेंटली होती है सेविंग अकाउंट होता है, उसमें कुछ इसका दिया हुआ है, तो इसे भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता है। तीसरे नंबर पर आता है यस बैंक का, ये है सब्जेक्ट योर यस बैंक, सारा कुछ सब्जेक्ट इस यस बैंक के बारे में बताया होता है। इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें बैंक के ट्रांसफर सम कैसे कैसे आपको देना है वो सब कुछ मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको एक अपना डेबिट कार्ड मिलता है, तो डेबिट कार्ड को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डेबिट कार्ड अपना देखने को मिल जाता है, तो ये आपका डेबिट कार्ड है, हमने ये भी पहले से छुटा रखा है, अपने देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये डेबिट कार्ड मिल जाता है, उसके साथ में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी भी मिल जाती है अपनी, सॉरी कार्ड नंबर मिल जाता है, उसके बाद प्राइमरी अकाउंट नंबर मिल जाता है, और वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जिसे आते हैं यस बैंक की एक ये है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी मिल जाती है, अकाउंट टाइप मिल जाता है, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट AMB नंबर मिल जाता है अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी भी प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ सब कुछ आपको वेलकम किट में यस बैंक की में मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।